अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मुझे अचानक से व्लॉग बनाना पड़ गया है। रेडी हो गई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, सब कुछ आगे आपको व्लॉग में बता दूंगी। तो फिलहाल तो अभी बता दूँ, अल्तमश गए हुए हैं स्कूल अपना एग्ज़ाम देने के लिए। आज अल्तमश का सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है। आप लोगों को दुआ करनी है कि पेपर बच्चों का बहुत अच्छा जाए, सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। और अभी माहीन और हयात भी अपनी स्टडी कर रही हैं। बस किसके साथ जा रही हूँ, क्यों बाहर जा रही हूँ, आगे ब्लॉग में बता दूंगी। तो फिलहाल तो बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। बाहर जा रही हूँ, सब कुछ आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी और आगे बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाऊंगी भी बताऊंगी भी। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो व्यूज़, इसी के साथ साथ जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी खूब इंजॉय करिए। बस मैं किसके साथ निकलने जा रही हूँ, बस अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बताती भी हूँ। यहाँ पर हमारी देवरानी आ गई हैं और इनके बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। बस अभी हम लोग निकलते हैं, आगे क्यों जा रहे हैं सब कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पर हो चुकी है बच्चों की शैतानी रेगुलर स्टार्ट और ये है रमजा। हम लोग सब निकल रहे हैं साथ में। वालेकुम अस्सलाम। तो व्यूज, जैसे मैंने बताया, मैं अपनी देवरानी के साथ आज बाहर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक्चुअली इनकी बेटी के एडमिशन के लिए। और जब अल्तमश और माहीन छोटे थे तो वो लोग भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। तो बस आज फिर से बच्चों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं भी कभी आती थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए, उनकी फ़ीस वगैरह डिपॉज़िट कराने के लिए। तो बस आज काफ़ी साल बाद स्कूल फिर से देखूँगी। और माशाल्लाह स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का सारा स्टाफ, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा था कि इसी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं फिर रमज़ा का। तो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं, चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। अभी नसीर और बंटी गए हुए हैं फ़ोटो कापी और फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेने, बस हम अंदर चलते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अंदर और करते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ एडमिशन की, फिर आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 8 साल बाद आई हूँ और काफ़ी चेंज हो चुका है स्कूल, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते थे तो यहाँ पर सेकंड क्लास तक सिर्फ क्लासेस बनी हुई थी। नेक्स्ट थर्ड से हमें दूसरी ब्रांच में जाना पड़ता था, वो काफ़ी दूर थी। इसी वजह से मैंने अल्तमश और माहीन का नाम यहाँ से निकलवा कर दूसरे स्कूल में करवाया था। तो अब ये स्कूल 10th तक हो चुका है, तो बच्चे ईज़िली यहाँ पर 10th कर अपने 11th और 12th दूसरी ब्रांच से कर सकते हैं। तो बस आज एडमिशन करवाने आई हूँ रमज़ा का, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी सब कुछ आज हम लोग सबमिट कर देंगे और टेस्ट वगैरह भी दिलवाना है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। तो व्यूज़, यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे हैं नसीर का, बंटी का और रमज़ा का। वो लोग फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाने गए हैं, बस आ जाएँ तो हम लोग ऑफिस में जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर देते हैं। जब तक चीज़ यहाँ पर कर रही हैं शैतानी। चीज का भी एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पर रमजा आ गई है अपने एडमिशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग एडमिशन के लिए आए हैं आज रमजा के, और ये हमारी देवरानी की बेटी हैं, तो ये आज हमारे साथ आई हैं। उनके एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह हमें सबमिट करनी है। देखो, तो पहचानने में नहीं आ रही है। हैप्पी, ठीक है? वो ऑफिस उसका है, वो इसलिए है। घबराओ मत, सभी तो छोड़ करना, तुम्हें तो आता ही है, इसलिए सबकी भीख होती है। दिख रहा है चीज़ रे, तो बहुत परेशान कर रहा है। मैं आ गया। मुझे लग रहा है तुम एडमिशन नहीं इन्हें पकड़ने लाई हो बार बार। बहुत परेशान कर रही है चीज़ ने तो सबकी हालत खराब कर दी है।
तो यहाँ पर जो है हमारी शीज जो है फिर से बातें कर रही है, वो कह रही हूँ उधर जाओ इधर जाओ, मोबाइल दिखा रही है फिर, और यहाँ पर ये फोन दिखा रही है अपना शीज। क्या कर रही है? हाँ? पानी में जंप कर रहा है मैं। ये ने 500 रुपए दे रही है। चीज किसको पैसे दे रही हैं आप? साइन कर दो अपने यहाँ पर, साइन कर दो। हम लोग वेट कर रहे हैं रमजा का, रमजा गई है अंदर टेस्ट के लिए। फिश के अंदर डाल दो, तैरती है, फिश खा जाएगी। फिश क्या कर रही है शीज? खाना खा रही है, सो गई है फिश। फिश सो गई। यहाँ पर अभी तक हम वेट कर रहे हैं रमजा का, रमजा गई हुई है टेस्ट देने, बस जैसे ही आती हैं बाकी फॉर्मेलिटीज भी करेंगे अभी हम। शीज यहाँ डांट खाकर बैठ गई है, अभी बहुत शैतानी कर रही थी अब सो गई है, और यहाँ पे नसीर से डांट खाई है उन्होंने। बच्चे नसीर से डर जाते हैं इसलिए सो जाते हैं। तो यहाँ पर रमजा अपना टेस्ट देकर आ गई हैं, अब चलते हैं घर पर, ठीक है? चलो चलिए, तो व्यूज़ घर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो व्यूज़ आज सिर्फ रमज़ा ने अपना टेस्ट दिया है, एडमिशन रिज़ल्ट पता होने के बाद ही होगा, तो अभी कंफर्म नहीं है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, वो उन्होंने 2-3 दिन बाद बोला है। तो फ़िलहाल तो अभी हम घर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। शैतानी हो गई रमज़ा, वो अपने आप भी यहाँ पर छुप गई है पर्दे के पीछे। शीज देखो कहाँ जा रही हो? हाँ आ जाओ। तो व्यूज अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, कल काफी लेट हो गई थी तो बच्चों को लंच भी कराना था, पढ़ाना भी था, तो मैंने वीडियो एंड नहीं किया था। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं अपनी देवरानी की बेटी का एडमिशन के लिए गई थी, तो वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने सबमिट कर दी हैं। 2-3 दिन में होली के बाद रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि कल टेस्ट भी दिया है। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, और हम लोग साथ में घर भी आए थे, बच्चों ने शैतानी करी, काफ़ी टाइम स्पेंड करा था, तो वीडियो को बिल्कुल एंड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट डे हो चुका है तो आज मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने भी वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।